गुजरात के एक परिवार के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। विवाह समारोह में मिले गिफ्ट पैकेट को खोलते समय हुए ब्लास्ट में नवविवाहित युवक समेत उसका भतीजा बुरी तरह जख्मी हो गया। दोनों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल दूल्हे की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। ये पूरा मामला नवसारी जिले के वंसदा तालुका स्थित मिठाम्बरी का है। इस गांव में बीते 12 मई को एक शादी हुई थी, जहां तमाम मेहमानों ने दूल्हा दुल्हन को उपहार भेंट किए थे। बीते मंगलवार को ही नवविवाहित लतेश गावित ने फुर्सत के पलों में घर पर इन्हीं तोहफों को बारी बारी से देखना शुरू किया। इसी बीच उपहार स्वरूप मिले एक टेडी बेयर में जोरदार धमाका हो गया। इस हादसे में दूल्हा समेत उसका 3 साल का भतीजा बुरी तरह झुलस गए। विस्फोट की तीव्रता की भयावता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि युवक लतेश की आंख पूरी तरह से डैमेज हो गई, जबकि उसके बाएं हाथ की कलाई हाथ से जुदा हो गई और ऊपरी शरीर भी जल गया। इलाज के लिए घायल को नवसारी के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही दूल्हे के जख्मी भतीजे का भी वंसदा के एक अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। दूल्हे के ससुर ने बताया कि उनकी बेटी सलमा की शादी 12 मई को लतेश गाविस से हुई थी। उस दौरान सलमा की बड़ी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड यानी पूर्व प्रेमी राजू धनसुख पटेल ने एक आशा वर्कर के हाथ एक टेडी बेयर जैसा इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट भेजा था। मंगलवार के दिन सुबह जब शादी में मिले सभी गिफ्ट को लतेश देख रहे थे, तभी एक बड़ा धमाका हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में तोहफा भेजने वाले राजू धनसुख पटेल संदेह के घेरे में हैं। पुलिस को अंदेशा है कि राजू धनसुख पटेल का सलमा के साथ भी पहले से प्रेम संबंध था, लेकिन लड़की ने दूसरे युवक से शादी कर ली। इसी खुन्नस में बदले की भावना से आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल वंसदा पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।